इस साल 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में सभी कलाकार अलग अलग जगहों से आकर अपना कला का जौहर दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में मेले में राइस स्ट्रॉ से बनी पेंटिंग सबका दिल जीत रही है, जो कि एक नेचुरल आर्टवर्क है। कलाकार राधा कृष्ण और उनका परिवार 44 सालों से कला पेश कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। पेंटिंग बनाने वाले राधा कृष्ण ने बताया वे अपने बड़े भाई को अपना गुरु मानते हैं। उन्होंने बताया कि उनके बड़े भाई को सूरजकुंड कलमानी पुरस्कार से 2 बार नवाजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि राइस स्ट्रॉ से बनी पेंटिंग को तैयार करने में बहुत बारीक काम होता है, बहुत सफाई से इस काम को करना होता है। एक पेंटिंग को बनाने में 5 से 6 दिन लग जाते हैं। वो इस मेले में पहली बार अपनी कला प्रस्तुत करने आए हैं। माय नेम इज राधा कृष्ण पल्लई, दिस इज आर्टिस्ट, मैं 44 इयर्स, माय ब्रदर, माय गुरु 96 ब्रदर है नेशनल अवार्ड। How much national award you get? 96. How much awards? 20,000 rupees, Falagam, Silpam. Okay. And which material you use in this art? Which material? Natural, paddy straw. Paddy straw is natural. Natural paddy straw. Okay, rice straw. Rice straw. How much time in a single painting done? Single 5 days, 6 days. Picture is अलग अलग days. कितने time से आप यहाँ सूरजकुंड आ रहे हैं? सूरजकुंड मैं first time. Come first time. Okay. My brother is two time is सूरजकुंड मेला पुरस्कार कलामणि पुरस्कार two time. My brother. कैसा लगा आपको फर्स्ट टाइम आकर? यू केम फर्स्ट टाइम, हाउ यू फील? वेरी वेरी फाइन, वेरी फाइन, सुपर है। क्या कॉस्ट है, हाउ मच कॉस्ट स्टार्ट योर पेंटिंग? कॉस्ट है 50,000 रुपीस ओनली। ओके, 50,000 रुपीस ओनली। थैंक यू। ओके, थैंक यू। फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया की रिपोर्ट।